दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट वनडे मुकाबला खेला गया था वह मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा और उस मुकाबले में संजू सैमसन ने जो लाजवाब पारी खेली, तूफानी पारी खेली, बोला बहुत ही लाजवाब रही। तो पहला वनडे मुकाबला खेला गया, यह बारिश की वजह से बहुत ही देरी से हुआ और यह मुकाबला 40-40 ओवर का हुआ। तो पहले टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शिखर धवन दोस्तों जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आई और जब यह मुकाबला 40 ओवर का खेला जाना था तो यहां पर तूफानी पारी खेल रही थी और तेज गति से रन बनाने थे, लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और यहां पर डीकॉक ने 54 बॉलों पर 48 रन की पारी खेली और जे मलान ने 42 बॉलों पर 22 रन। यहाँ पर बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो यहाँ पर कैप्टन भी 12 बॉलों पर 8 रन ही बना सके, लेकिन इसके बाद एक बैट्समैन आया और बहुत ही तूफानी बैटिंग खेली साउथ अफ्रीका के लिए। उनका नाम है एच क्लासन। उन्होंने 65 बॉलों पर 74 रन की बहुत ही शानदार नॉट आउट पारी खेली और उन्होंने 2 छक्के भी यहाँ पर शामिल। इसके बाद बैटिंग करने के लिए डी मिलर, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार शतक लगाया था T20 में, तो वो इन्होंने वनडे में 63 बॉलों पर 75 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के शामिल थे और इन्हीं पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका 249 तक पहुंची 40 ओवर में 4 विकेट खोकर। तो जब टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बैटिंग करने के लिए आई तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए भी बैटिंग करना इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग स्विंग हो रही थी। तो यहाँ पर शिखर धवन जो कैप्टन थे, यहाँ पर इन्होंने मात्र 16 गेंदों पर 4 रन ही बनाए और यहाँ पर बोल्ड हो गए। सोचिए यहाँ पर बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर जहाँ पर बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, एक से एक बैट्समैन आउट होते जा रहे थे, वहाँ संजू सैमसन ने बहुत ही लाजवाब पारी खेली। तो उसके बारे में आपके लिए आगे बताएंगे। इसके बाद सुमन कैल, जिसे माना जा रहा था कि बहुत ही शानदार बैटिंग करेंगे, लेकिन यह भी मात्र 7 बॉलों पर 3 रन बनाए और बोल्ड हो चुके थे। और इसके बाद गायकवाड़, इन्होंने 42 बॉलें खेल ली लेकिन मात्र 19 रन ही बनाए और आउट हो गए। उसके बाद ईशान किशन, इन्होंने भी 37 बॉलों पर 20 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अच्छा साथ दिया संजू सैमसन का और पारी के लिए संभाली रखा, बहुत ही शानदार पारी खेली जिन्होंने 37 बॉलों पर 50 रन की पारी खेली और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद संजू सैमसन, इन्होंने बहुत ही लाजवाब पारी खेली जहां पर एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और लग रहा था कि शायद 220 या 210 रन पर ही टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन संजू सैमसन अकेले ही पूरी साउथ अफ्रीका टीम से लड़ते रहे और अटे रहे। तो यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी संजू सैमसन की और उन्होंने तूफानी पारी शेर की तरह अकेले ही लड़ते रहे साउथ अफ्रीका से और इन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के, लाजवाब छक्के मारे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने भी 31 बॉलों पर 33 रन की पारी खेली। यदि कोई भी संजू सैमसन का साथ देता तो शायद टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाती, लेकिन किसी भी बैट्समैन ने साथ नहीं दिया संजू सैमसन का सिवाय श्रेयस अय्यर के। तो यहां पर जब टीम इंडिया के लास्ट ओवर में 30 रन की जरूरत थी 6 बॉलों पर, तो जब बैटिंग करने आया वह शेर जिन्होंने साउथ अफ्रीका के पसीने छुड़ा दिए, तो यहाँ पर संजू सैमसन स्ट्राइक पर थे तो उन्होंने पहली बॉल पर 6 मारा, उसके बाद चौका, उसके बाद फिर चौका मारा, इसके बाद डॉट निकली, इसके बाद फिर उन्होंने एक और बाउंड्री मारी और इसके बाद सिंगल से यह टीम इंडिया यह मुकाबला 9 रन से हार गई थी। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी संजू सैमसन, जिन्होंने अकेले ही साउथ अफ्रीका के पसीने छुड़ा दिए थे और साथ संजू सैमसन का साथ दिया होता तो टीम इंडिया मुकाबला जीत जाती। आप किसे अच्छा खिलाड़ी मानते हैं, रोहित शर्मा की, एम एस धोनी की, ऋषभ पंत की, संजू सैमसन के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन टीम इंडिया ने शायद बहुत बड़ी गलती की है संजू सैमसन के लिए टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल ना करके। तो अभी तो ये संजू सैमसन ने अपना ट्रेलर दिखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों यही चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी हर वीडियो मिलती रहेगी हमारे चैनल पर।